नमस्ते सांध्या, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब बहुत अच्छे से हैं, राइट? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप कभी पूछते ही नहीं है कि मैम आप कैसे हैं। कोई बात नहीं, हम ही आपसे पूछ लेते हैं। तो आप सब ठीक है ना, अच्छे से है ना? ओके, वेरी गुड। तो हमने पूरे हफ्ते क्या सीखा, कौन कौन से अक्षर सीखे, आपको याद है? रिमेम्बर है आपको कि आपने कौन कौन से अक्षर सीखे थे? कुछ बच्चों को लर्न नहीं है अभी भी? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सबको अच्छे से पढ़ना है, उन्हें लिखना है और दोहराना भी है, क्योंकि हम जो पहले कर चुके हैं उसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। नया तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन पुराने अक्षर भी हमें साथ साथ याद रखने हैं। तो इस हफ्ते के सारे अक्षर कौन से थे एक बार दोहराए हम। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या लिखा सीखा था। टोकरी, टोकरी में फल भरकर आए, और त हमने लिखना होता है कैसे, स्टैंडिंग लाइन, और ये आधा गोला और ऊपर लगा दी उसकी छत। ट से टोकरी में हम फल लाते। थ, त के बाद हमने सीखा था अक्षर थ, और इसमें भी एक छत। थ से ठप्पा, सरकारी कामकाज में लगाते। उसके बाद है द की बाली, द से डमरू, डम डम बाजे। द के बाद है ध की बाली, ध से ढोला, डम डम बाजे। सो ट से टोकरी, ठ ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढोलक, ये सीखा हमने। और ढ के बाद आता है अना, अना, और अना तो हमें मालूम ही है होता है खाली। तो अना कैसे लिखना है हमें, सबसे पहले एक ऐसे गोला, और फिर लगा दिया हमने एक स्टैंडिंग लाइन का डंडा, और उसके ऊपर बना दी हमने छत, और ये बन गया हमारा अनय, क्योंकि अनय होता है बिल्कुल खाली। और हम क्या बजाते हैं हमेशा, ताली। तो ये हमारी ट से लेकर अना तक ये लाइन हमारी आज पूरी हो गई। तो आपको अना लिखने की प्रैक्टिस करनी है। किसमें करनी है प्रैक्टिस, हमारी एक्टिविटी नोटबुक में, है ना? हमारी एक्टिविटी नोटबुक में हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने ट किया, फिर हमने ठ किया, फिर हमने ड किया, और फिर हमने ध किया, और अब हम लिखेंगे अना। आप इसमें लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आपकी ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे से लिखना सीख जाए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी वर्कशीट बुक में। इसमें क्योंकि हमें पता है अना से तो कोई नाम नहीं होता, इसलिए कोई भी पिक्चर नहीं होगा, कोई चित्र नहीं होगा, तो हमें रंग तो भरना ही नहीं है। हमें पहले अना का गोला बनाने की प्रैक्टिस करनी है यहाँ इस पेज पे, और जब आपका ये पेज कम्प्लीट हो जाए तो यहाँ पूरा अना लाइन के साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और ये दोनों करने के बाद तो हमें अच्छे से पता ही है, हम लिखते हैं हमारी सिंपल वाली नोटबुक में। लेकिन इस बार जब अनय आपका पूरा हो जाए, आपको अपनी ट ठ ड ढ अन कंप्लीट लाइन एक पेज में लिखनी है, ठीक है? कंप्लीट लाइन कम से कम आप 5 to 10, 5 मिनिमम, और 10 लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है? मिला मिलाकर अच्छा अच्छा और सुंदर सुंदर आपको लिखना है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हमें अपनी नोटबुक में लिखना कैसे है, ठीक है ना? तो हमें हमारी नोटबुक में लिखने के लिए अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि नोटबुक में ओके, तो अब हम देखें कि हमें अपनी नोटबुक में अनय कैसे लिखना है। तो आपको ऐसे एक गोला बनाना है, उसके पीछे एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, एंड बन गया हमारा अनय। एक बार फिर बनाएं ये गोला, स्टैंडिंग लाइन, और उसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन, अनय। और ऐसे कोई नाम नहीं होता है, इसलिए अनय खाली होता है, ठीक? और फिर आपको उसके बाद लिखनी है ट
थ द ध अना, ये कंप्लीट लाइन, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट आपका वर्क हो जाएगा तो आपको अपने सिंपल नोटबुक में ट ठ ड ढ असेंबल करके एक साथ ये कंप्लीट लाइन भी लिखनी है। और उसके बाद हम सीखेंगे नया अक्षर, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लिखिए। तब तक बाय बाय। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें नए अक्षर कैसे बनाने हैं, तो आप असेंबल करके लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए नए अक्षर में। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।